पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के सामने उस समय हंगामा हो गया जब नगर निगम की टीम से एक नर्सिंग होम की महिला कर्मचारी भिड़ गई। निगम की टीम अवैध कब्जे से मलबा हटाने के लिए पहुंची थी। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने स्थित जेपी नर्सिंग होम पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नगर निगम की टीम से नर्सिंग होम का स्टाफ भिड़ गया। दरअसल सड़क पर कब्जे के एक पुराने विवाद के चलते पिछले कई महीने से जेपी नर्सिंग होम और कॉलोनी के लोगों के बीच विवाद चल रहा है। नर्सिंग होम संचालक द्वारा कुछ सवाल पूर्व कॉलोनी में जाने वाली सड़क के आधे हिस्से पर दबंगई के चलते अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही ये सड़क का विवाद चला आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले कॉलोनी वासियों ने इस मामले में जिला प्रशासन और नगर निगम में लिखित शिकायत करते हुए वैधानिक कार्यवाही करा दी थी, जिसके बाद अवैध कब्जे को गिरा दिया गया। इसी अवैध कब्जे के मलबे को हटाने के लिए नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ पहुंच गई। टीम को देख नर्सिंग होम की महिला स्टाफ बाहर निकलकर निगम की टीम से भिड़ गईं और हंगामा करने लगीं। टीम ने हंगामा होते देख पुलिस बुला ली। इस हंगामे के चलते दोनों पक्षों की तरफ से वकील भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जब नर्सिंग होम संचालक से कागज मांगे तो वो कोई पुख्ता सबूत नहीं दिखा पाए। नगर निगम की टीम ने इस मामले में नर्सिंग होम संचालक को एक दिन का समय दिया है। अगर वो कल तक कोई वैधानिक कागज नहीं दिखा पाते हैं तो निगम की टीम फिर आकर पूरा मलबा हटा देगी। कॉलोनी के रहने वाले विकास जैन ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसे नगर निगम की टीम हटाने के लिए पहुंची थी। वहीं कार्रवाई की टीम को लीड कर रहे निगम कर्मी ने बताया कि वो लोग तो मलबा हटाने आए थे। किस चीज का विरोध किया गया है, क्या क्या पूरा मामला है थोड़ा बताएंगे? दीवार थी ये पहले से। ये किसके द्वारा तोड़ी गई है दीवार? ये नहीं, हमें तो पहले से गिरी हुई है। अच्छा, अभी कुछ जैसी भी आई थी? अभी तो ये हटा के इसको चौड़ा करके बनाना था सड़क को, तो अभी शाम तक इन में समझौता हो लेगा। क्या है को नहीं, तो ये नगर निगम से समझौता होना है। ये नगर निगम का मैटर है या इन लोगों का आपसी मैटर है? आपसी मैटर है। तो नगर निगम ने अपना काम क्यों रोका? दो पार्ट है, एक पार्ट पहले से दो पार्टों में चल रही थी सड़क। नगर निगम उधर भी और इधर भी, एक हो जाएगी, एक हो जाएगी, अलग अलग बनाएंगे। क्या मामला पूरा? हम लोगों के निवास डॉक्टर साहब के क्लिनिक के पीछे हैं। डॉक्टर साहब के ठीक बराबर में एक सड़क है जो हमारे निकलने मिलने का रास्ता है। उस रास्ते के बराबर में एक दूसरा रास्ता स्थित था जो पड़ोस वाली कॉलोनी का था। पीछे से दीवार हटा दी गई, पहले हट चुकी थी। इस बात वाली जो दीवार है इसको किसी हादसे में गिर गई। हादसे में दीवार गिरने के बाद डॉक्टर साहब इस दीवार का दोबारा निर्माण करना चाहते हैं, जबकि हम ये चाहते हैं कि चूँकि ये दीवार न डॉक्टर साहब की संपत्ति है न हमारी संपत्ति है, जिनकी संपत्ति थी वो लोग चले गए और वो लोग अपनी संपत्तियाँ बेच गए। इसी ज़माने में ये अलग अलग दो व्यक्तियों के स्वामित्व की संपत्तियाँ थी, अब वो दोनों लोग ही नहीं है। उनकी जगह बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्लाट खरीद दिए, अलग अलग मालिकाना लेके आ गए हैं। डॉक्टर साहब के पीछे हमारे मकान है, हमारा राइट ऑफ पैसेज है। डॉक्टर साहब हमारा रास्ता बंद करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब दीवार लगा के हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं, हम अपने रास्ते को लेना चाहते हैं, इतना सा विवाद है। तो आज जैसे नगर निगम की टीम इसे हटाने आई थी, इन लोगों ने तो विरोध करा, तो नगर निगम की टीम का लौटना कितना जायज था, कितना गलत? सामाजिक जीवन के अंदर में नियम कानून को कई बार शिथिल करके भी कार्य किए जाते हैं। विवाद को निपटाने के लिए कई बार बातचीत के अवसर दिए जाते हैं। संभवतः इतनी ही समझदारी का परिचय नगर निगम की टीम ने दिया है। उन्होंने हमसे कहा है कि आप डॉक्टर साहब को भी कहना यह है कि हम बैठ के बातचीत निपटा लेंगे आपस में दोनों, इसलिए हमें और डॉक्टर साहब को समान अवसर मिला है कि हम अपना विषय निपटा लें और नगर निगम की टीम इसका निर्माण आज